सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको APN के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि APN क्या होता है, APN का यूज़ क्या है या फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर मुझे सबसे पहले APN के बारे में कैसे पता चला था वो भी बताऊँगा, और APN और VPN में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे मेन क्या APN सेटिंग्स चेंज करने से वाकई में आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ती है, इसकी असली सच्चाई भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपको फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने कभी ना कभी तो APN सेटिंग ज़रूर से चेंज की होगी। तो वीडियो पूरा देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि APN होता क्या है आखिर में। सो APN का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा, APN का फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेम। तो वो तो पता है फुल फॉर्म तो, लेकिन आखिर में APN असलियत में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, APN एक ऐसी सेटिंग्स है जो आपके फ़ोन में करने के बाद आपके फ़ोन को आपके कैरियर के गेटवे के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। अगर आपके फ़ोन में APN सेटिंग्स नहीं होगी तो आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, और यही APN की इम्पॉर्टेंस है, यानी कि APN इसीलिए यूज़ होता है आपके फ़ोन को आपके कैरियर के गेटवे के साथ कनेक्ट करके आपको इंटरनेट यूज़ कर सके, यही APN सेटिंग्स का यूज़ है। अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊँ तो APN आपके फ़ोन में सेटिंग्स होती है जो आप कर लो, उसके बाद आपका कैरियर को पता चलता है कि हाँ ये वाला बंदा मेरा ही सिम कार्ड यूज़ करता है, तो इसको मुझे एक IP एड्रेस प्रोवाइड करना है और सिक्योरिटी टाइप भी प्रोवाइड करनी है, और जिसके बाद में आपका फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाता है और आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो और कुछ भी कर सकते हो इंटरनेट पर। तो यही था APN और उसका यूज़ और उसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग सिलेक्टेड है एक बार उसको जाकर डिलीट कर दो, फिर आपको पता चलेगा कि APN की क्या इम्पोर्टेंस है। आपका इंटरनेट का ई या फिर LTE ही निकल जाएगा और आपका नेटवर्क ही नहीं आएगा, मतलब इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यही थी APN के बारे में सब कुछ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि APN के बारे में मुझे कैसे पता चला था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 2016 या फिर मतलब जब भी जियो आया था उस टाइम पे फ्री सिम कार्ड मिल रहे थे, तो मैंने भी ले लिया था। और उस टाइम ऐसा था कि फ्री सिम कार्ड तो मिल जाता था लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए टाइम लगता था, पता नहीं कितना टाइम, लेकिन मेरे फ़ोन में तो एक दिन हो गया था फिर भी सेटिंग्स आई नहीं थी, या फिर एक दिन नहीं हुआ था और मैंने उससे पहले ही कुछ जुगाड़ करके इंटरनेट कनेक्ट कर लिया था। सब कहते थे कि मिनिमम एक दिन लगता था आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स मतलब सेव होने के लिए या फिर जो भी हो, लेकिन मुझसे फेट नहीं है, मतलब सहा नहीं जा रहा था, राइट, वो वाला मीम लगा दूंगा इधर। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि मेरे बाजू में ही मेरा एक भाई है, उसका उनके पास भी जियो का सिम कार्ड था, तो मैंने उनके फ़ोन में जाकर ऐसे ही APN सेटिंग्स ढूंढी। मतलब APN सेटिंग्स के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था क्योंकि मैं नोकिया C1 मतलब फ़ोन आता था राइट, उस पर भी मैं इंटरनेट चलाता था, तो उसके लिए SMS से इंटरनेट APN सेटिंग्स लेनी पड़ती थी। तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है वो मुझे थोड़ा आइडिया था कि उससे इंटरनेट के लिए मतलब कनेक्शन होता है, ऐसा कुछ पता था। फिर मैंने क्या किया कि मेरे भाई का मोबाइल में एक्सेस पॉइंट में जाकर जियो में से MNC और वो सब जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो वैल्यूज़ ही मतलब आपके फ़ोन में सेट होने के लिए टाइम लगती है, तो वो मैंने मतलब इंस्टेंटली डाल दी थी, तो मुझे एक दिन का वेट नहीं करना पड़ा था और मेरा जियो का इंटरनेट फ्री वाला तुरंत ही चलने लग गया था फ्रेंड्स। तो ऐसे मुझे APN के बारे में पता चला था, और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी देखी YouTube पर, मतलब सब APN के बारे में बता रहे थे और वैसे ही मुझे APN के बारे में पता चला। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि APN और VPN में आखिर डिफरेंस क्या है। तो APN के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और आपको पता भी चल गया। तो VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता चल गया फुल फॉर्म, लेकिन VPN का मतलब नाम में ही पता चला होगा कि प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपको प्राइवेटली मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पर, उस यही VPN का यूज़ है फ्रेंड्स। मतलब अगर आप प्ले स्टोर से फ्री वाला VPN यूज़ करोगे तो वो वाले VPN कंपनी को तो पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। और अगर आप पेड VPN यूज़ करते हो तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हो। VPN भी कनेक्ट कर लो तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पर, और यही VPN होता है और यही उसका यूज़ होता है। आप
वो ऐप डाउनलोड किए बिना भी VPN को अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हो। मैं उस पर भी फ्यूचर में वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सबसे पहले कमेंट कर सको कि हाँ मैं फर्स्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था VPN और APN का डिफरेंस और वगैरह वगैरह, राइट। और अब बात करते हैं, क्या APN सेटिंग्स चेंज करने से आपके इंटरनेट स्पीड में चेंज आता है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मुझे दो तीन सवाल और याद आए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या APN सेटिंग्स सेफ होता है और क्या आपको कितनी देर में APN चेंज करना चाहिए, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, ये वाला मतलब वीडियो में मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाया, ऐसे ही मैं मुझे जो भी याद आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम रॉ वीडियो है, सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या APN सेफ होता है। तो भाई देखो, APN तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो क्या APN सेफ होता है वगैरह तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो आपका इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। आपको ऐसा पूछना चाहिए कि क्या APN को चेंज करना सेफ होता है, ये थोड़ा लॉजिकल है। और ये सब मैं क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं उठा रहा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या APN चेंज करना सेफ होता है, तो इसका जवाब है हाँ, APN चेंज करना सेफ होता है, इसमें कोई मतलब फ्लॉ नहीं है। तो फिर सेकंड सवाल है, आपको APN कितनी देर में चेंज करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जवाब ऐसा है कि अगर आपने मेरा कोई पिछला APN यूज़ कर रहे हैं और वो आपको अच्छे से चल रहा है, तो आपको APN नहीं चेंज करना चाहिए। आपको APN तभी चेंज करना चाहिए जब आपको लगता है कि हाँ, मतलब मेरा APN सही से बना हुआ है, कनेक्टेड है, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा या फिर बहुत ही स्लो चल रहा है। उस केस में आपको नया APN सेटिंग्स ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो नया APN सेटिंग्स आपके डिवाइस और एरिया में आपको पहले वाले APN से भी अच्छी स्पीड दे दे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे मेन सवाल, क्या APN सेटिंग्स चेंज करने से आपके इंटरनेट स्पीड वाकई में बढ़ती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आपको दो तरीके से दूंगा। एक तो सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि हाँ, APN सेटिंग्स चेंज करने से आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एक APN जो यूज़ कर रहा था, वो वाला में मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्टेड था, मेरा मतलब LTE सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा फेसबुक यूट्यूब तक नहीं खुल रहा था या फिर बहुत ही कम स्पीड दे रहा था। जैसे ही मैंने APN सेटिंग्स में ट्विक किए, राइट, चेंजेस किए, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छी और मतलब इंटरनेट एकदम स्मूथली चलने लगा। तो ये थी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। और जैसा कि मैंने बताया, APN आपके एरिया और डिवाइस पे डिपेंड करता है, तो इसका जवाब भी आप लोग ही दे सकते हो, क्योंकि ये हर इंसान के लिए अलग अलग जवाब होगा, ये आप पे ही डिपेंड करता है। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि क्या आपने कभी APN सेटिंग चेंज किया है और क्या उससे आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ी है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। इस सवाल का जवाब आप लोग यानी कि पब्लिक ही दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो APN सेटिंग चेंज करने से इंटरनेट स्पीड बढ़ती है। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताओ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए इस वाले टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डक्षल पटेल और आपको मेरे सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, मैंने नए चैनल्स भी ओपन किए हैं काफ़ी वैरायटी के टॉपिक्स पे, तो उन सभी की लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। आपको भी पता है कि ये चीज़ मैंने वीडियो के एंडिंग में जानबूझकर बोली है, और क्यों वो आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और कमेंट ज़रूर से कर देना मैंने आपको सवाल पूछा था वो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।